आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल वीकर कंप्यूटर मोबाइल सॉल्यूशन में। और आज हम रिपेयर करने वाले हैं माइक्रोमैक्स 252 एमएमसी और सिम का प्रॉब्लम। दोस्तों, इस मोबाइल में सिम और एमएमसी का बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो आज मैंने पहले इसे निकाल के रखा है जो एमएमसी ट्रे है वो, और आपको बताने वाला हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। एक तो सोल्यूशन कैसे है दोस्तों, आप तो बदल सकते हो इसका कनेक्टर, लेकिन उसका कनेक्ट ठीक है। देख लो, इसका जो एमएमसी और सिम ट्रे है तो एकदम अच्छी तरीके से ठीक ठाक है, उसमें टूटा फूटा कुछ नहीं है। तो उसके बावजूद भी ये सिम और मेमोरी कार्ड लेता नहीं है, तो इसका सोल्यूशन हम आपको बताएंगे आज। तो सिंपल सा है दोस्तों, तो जो सप्लाई रहेगा तो सीपीयू से रहता है। देखो दोस्तों, ये जो ट्रैक जा रही है सीधे जेपी दे, और इसके बाद जो ये डाइवर दिख रहा है आपका, जो जो पहले ही शॉट था इस मोबाइल का, आप देख लीजिएगा आपके मोबाइल में शॉटिंग कहाँ से है। तो इस डाइवर को हमें रिमूव करना है। ड्राइवर यानी कैपेसिटर जो रहेगा, देखो ये हमने निकाल दिया दोस्तों, उसका डाइवर्ट निकाल दिया। और इसके बावजूद जो डाइवर्ट रहेंगे यहाँ पे, कुछ वो वाटर डैमेज की वजह से कुछ ख़राब हो सकते, तो देख लेना डायरेक्टली, कुछ काम मत किया करो, हीट वीटिंग का मत काम किया करो। तो पहले देख लो क्या क्या मसला है। तो हम इसको अभी शोल्ड करेंगे कैपेसिटर अपने कनेक्टर को, देख लेते हैं। तब तक स्टिल होल्ड ऑन। देखिए दोस्तों, मैंने रिशोल्ड कर लिया, और अभी बाकी का जो है मैं आपको बताने वाला हूँ रिशोल्ड शोल्डर की कैसे। ये देखो रिशोल्ड हो गया दोस्तों, ये मैंने उसका मस्त काम कर दिया है। अभी हम उसको चेक करेंगे सिम और मेमोरी कार्ड डाल के। देखो दोस्तों, सिम कार्ड का काम हो गया है ओके से, और एसडी कार्ड डालने में वो भी हो गया है, लेकिन जो अमान्य सिम है, मेरा सिम कार्ड जो बंद है, मेरी शॉप का जो सिम कार्ड बंद है, इसके कारण अपना इंसर्ट सिम का काम हो गया है। और थैंक यू फॉर वाचिंग, और सबसे पहली बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और कोई मसला होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट कमेंट।